बस वही ना आज की बाजी है, आजकल दुनियादारी खतरनाक हो रही है, जहाँ आज की दिखती दुनिया वहीं भागती है। अभी अपकमिंग सॉन्ग है उसको, उसकी लाइन सुनाता हूँ आपको। मैं गल करी भाभी ना यो बारे तेरे सोने, मैं कर दी करदा नहीं तू ता पट होने, ओ जट्टी तेरी हर गल उत्ते आ तैयार वे हाँ दस जट्टा, किन्ना क तू करदा है प्यार वे हाँ दस जट्टा, किन्ना क तू करदा है प्यार वे हाँ। पहले गलियों में इधर उधर घूमते रहते थे तो वहां से इनको निकाला। पढ़ाई पढ़ाई में वो तो डब्बा है उसके तो जीरो है जी। दिल टूटा, दिल टूटा। सिंगर तभी बनता आदमी जब सिंगर और शायर। हाँ, तो इनका दिल टूटा तभी। ने रो रो के कट्टी मेरी कॉल सी, मेरे सीने विच उठे सीगे हॉल भी, ओए जट्टा कर दी रहूं मैं तेनू प्यार वे, 9:25 ओ तारीख सी, उंजे दिलो मैनू चाहुंदी कमली, पर मम्मी कोलों डर दिया जिन्ना मैं मिस करायो नू ना ओ भी मिस कर दिया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं झलको हनुमानगढ़। अभी अपने साथ मौजूद हैं कुशाल जी। तो कुशाल जी, स्पीड रैकेट पे जो अपनी सिंगिंग है, सिंगिंग का जादू दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ का बहुत बढ़िया नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे कितने टाइम से सिंगिंग की लाइन में है और कब से यहाँ आए थे और क्या शौक था इनका आने का और क्या ये आगे करना चाहते हैं। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बताओ। बढ़िया, तो सिंगिंग में अच्छा नाम रोशन कर रहे हो आप। बस दुआएं आप सबके, आप सब प्यार दे रहे हैं, चल रहा है। तो कब से है सर अपनी सिलाई में? मेरे को 6 साल हो गए स्ट्रगल करते, 6 साल के बाद अब 2 साल से जाके एज ए सिंगर एज ए लिरिक्स कंपोजर काम कर रहा हूँ। मेरी एज मात्र 22 साल का हूँ मैं, मात्र 22 साल का। कुशाल जट मेरा नाम है, हनुमानगढ़ का रहने वाला। तो यहाँ से स्टार्टिंग की थी सिंगिंग या सीधे फिर? यहाँ से मैंने सिंगिंग की स्टार्टिंग की थी, सिंगिंग के बाद लिखने का कीड़ा चला। अच्छा। लिखते लिखते अभी स्पीड रैकेट से अपने आज पूछ ही लेना गाना रिलीज हुआ था, उसके बाद एज ए सिंगर अभी मेरा चंदवे सॉन्ग आया। अभी ऑल ओवर मेरे प्रोजेक्ट पड़े हैं, 6-7 प्रोजेक्ट एज ए सिंगर। लविश चुग जो प्रोड्यूसर है अपने चंडीगढ़ से, उनके साथ भी काम है, और एक मेरा अभी प्रोजेक्ट आना है जट्टावे जो एक मुंबई की लड़की है कोमल, उनके साथ मेरा प्रोजेक्ट आना। अभी आने वाले अगले वाले महीने में ही 2-3 सॉन्ग अपने रिलीज होने। और तो ये मतलब आप बता रहे हो जो स्पीड रैकेट, कौन कौन से सिंगर है जो इससे स्टेज ऑल ओवर? देखो स्पीड रैकेट में ऑलमोस्ट सारे सिंगर अपने पंजाब इंडस्ट्री के, जॉर्डन संधू से लेके दिलप्रीत ढिल्लो, सारे अपने स्पीड रैकेट में ही हैं जितने भी ऑल ओवर अपने। मान लो आप दिलप्रीत हो गया, जॉर्डन संधू हो गया, नक्षत्र गिल हो गए, जितने भी अपने सिंगरों ने चढ़ाई करी है स्पीड रैकेट से ही करी ऑलमोस्ट। हाँ जी। तो अभी कौन सा गाना बता रहे हो आप नेक्स्ट आपका? अभी मेरा आना है जट्टावे, उसके बाद आना साग। साग सॉन्ग की तो अच्छी खासी प्रमोशन हुई थी, शिव ज्योत ने, रेशम सिंह अनमोल ने भी डाली थी वीडियो। अभी वो नेक्स्ट मंथ अपने सॉन्ग डाल देंगे। मतलब अपने ओनली पंजाबी सॉन्ग्स पे ही काम करते हैं? हाँ, पंजाबी भी, पर हिंदी में वो है ना थोड़ा कीड़ा कम है हिंदी का। कीड़े भी होते हैं? हाँ, कीड़े की वजह से तो बनता यहाँ तक पहुँचता है ना, कीड़े कर करके तो पहुँचे। स्टडी का कीड़ा भी है उसका? स्टडी का कीड़ा नहीं, अपने स्टडी में थोड़ा टाइट रहता है हमेशा। तो अब तक मतलब किस क्लास में हो या क्या करके छोड़ चुके हो? मैं गुरु हरकिशन में था, गुरु हरकिशन में मैंने 10th छोड़ी। 10th के बाद मैंने अपनी 12th कंप्लीट करके अपने म्यूजिक लाइन में घुसा, म्यूजिक में मैंने अपनी बीए कर रखी है कंप्लीट। छोड़ी नहीं, कीड़ा हट गया वो? बस वो कीड़ा म्यूजिक वाला कीड़ा आ गया, वो स्टडी वाला कीड़ा हट गया। कहाँ से देखा था ये, कैसे कीड़ा जाएगा? बस पता ही नहीं चला, स्कूल में था, स्कूल में गाते 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 समझ ही नहीं आया कहाँ से कहाँ पहुँच गए। स्कूल में भी जैसे मान लो 15 अगस्त 26 जनवरी पे? नहीं नहीं, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था, पर स्कूल में से एक मेरे टीचर होते थे, उनका हमेशा से मेरे को सपोर्ट रहा है। तो सर अब जैसे मान लो कि आप चंडीगढ़ में अब जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। रिकॉर्डिंग वगैरह? जी जी। तो कब जाना है वहाँ? अभी चंडीगढ़ में यहाँ रखा था 4-5 दिनों, घर आए को अभी जाना मेरे को, कल शाम को वापसी है मेरी। तो रेजिडेंस कहाँ है अपना? अपना हनुमानगढ़ जंक्शन, मामा जी रहते हैं और टाउन में मम्मी पापा रहते हैं अपने। टाउन में है? हाँ जी। तो अब जैसे बात करें अपने चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ आप वहाँ कितने टाइम से वहाँ रह रहे हो? चंडीगढ़ मेरे को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए? हाँ जी। तो अभी मुंबई के जो आप बता रहे हो आपके साथ हैं जो जी जी काम करेंगे, जी जी, तो वहीं से काम करते हैं चंडीगढ़ के भी, वहाँ कोई आपके साथ जैसे? अब देखो वो सिंगर वहाँ की है, वो एज ए सिंगर काम करे, डुएट सॉन्ग है मेरा, तो रिकॉर्डिंग के लिए उसको चंडीगढ़ आना पड़ता है। चंडीगढ़ आके वो रिकॉर्डिंग करेगी, उसके बाद जब वीडियो का सीन होगा, वीडियो के लिए लोकेशन देखनी पड़ेगी, लोकेशन चंडीगढ़ कर रहे हैं वीडियो अपने, मुंबई कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उसको वहीं आना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर चंडीगढ़ नहीं होती, अलग अलग जगह होती है क्या? नहीं, शूट का लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, डायरेक्टर बोलेगा कि आपकी लोकेशन ही होगी, उसी हिसाब से आपका होगा। अभी तक मतलब चंडीगढ़ में ही किया है शूट और कहीं भी किया आपने? नहीं, मैंने हनुमानगढ़ में भी किया एक दो गानों का शूट, उसके अलावा मुंबई गाना शूट हुआ था अपना आज पूछ ही लेना, जिन्होंने शूटर मूवी करी थी ट्रू मेकर्स,
अभी जो मूवी बैन हुई है उन्होंने उसकी वीडियो करी थी, प्रीत कुमार ने म्यूजिक किया था और स्पीड रैकेट के चैनल पे रिलीज हुआ था और मुंबई इसका शूट हुआ था। हनुमानगढ़ में कौन सा सॉन्ग किया था? हनुमानगढ़ में मैंने स्टार्टिंग किया, एज ए सिंगर करे थे, एक शरीक नाम का मेरा सॉन्ग था, एक आज कुछ क्या नाम था उसका, खुद का ही भूल गए, खुद का ही भूल गया मैं, एक गाना और था मेरा। चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट हो गए 4-5 गाने डन हो चुके हैं। आने वाले जो है वो आने वाले 6 प्रोजेक्ट अभी मेरे इसी साल के। टीम है वो हनुमानगढ़ से ही है या फिर चंडीगढ़ से? नहीं सर, एक्चुअली प्रोड्यूसर्स है, एक तो प्रोड्यूसर मेरा चंडीगढ़ का है, एक दूसरा प्रोड्यूसर है मेरा, दो प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहा हूँ पर मैं अभी बॉन्ड नहीं हुआ किसी के साथ, पहले स्पीड के साथ था, स्पीड को छोड़ने के बाद अभी बॉन्ड नहीं हुआ किसी के साथ। हॉलीवुड में भी कह रहे थे आपको कोई फिल्म वगैरह? हाँ मूवी आनी थी मेरी, एक्चुअली 2 साल पहले लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के चलते वो मूवी वहीं बंद हो गई, बॉलीवुड मूवी थी। कौन सी थी? द लाइफ ऑफ गैंगस्टर। उसमें जैसे किस चीज़ का रोल था आपका? RDX नाम का मेरा किरदार था, एक गैंगस्टर था मूवी में, गैंगस्टर जैसे लगते हैं अपने देखने में भी। तो वहाँ किरदार था आपने? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है ये हनुमानगढ़ के लिए भी और आपके लिए भी। जैसे हनुमानगढ़ के मतलब अभी तक तो मैं जितने वो जानता हूँ जितने भी यहाँ से गए अच्छा अच्छा नाम रोशन किया, जैसे हनुमानगढ़ से ये गए हैं श्री ब्राड्स। जी जी जी, हनुमानगढ़ के श्री ब्राड भी। हाँ जी जी। चंडीगढ़ रह रहे हैं वो भी? चंडीगढ़ रह रहे हैं। मिले हो क्या सर आप? हाँ 3-4 बार श्री ब्राड से मुलाकात हुई है मेरी। लगभग तो जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, लगभग दिलप्रीत हो गया, जॉर्डन वगैरह हो गए, इनसे अच्छा बॉन्ड अपना शिवजोत हो गया, शिवजोत और रेशम सिंह अनमोल तो सपोर्ट भी काफी करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी मेरे गाने वगैरह रिलीज होते हैं पहले वो वीडियो बना के डाल देते हैं। अपने हनुमानगढ़ का एरिया भी ऐसा रह गया, पंजाब का एरिया है लगभग। हाँ तो अच्छा मतलब स्कोप है यहाँ पंजाबी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। हनुमानगढ़ में क्या है कि ऑलमोस्ट अपने पंजाबी लोग ही बैठे हैं, हनुमानगढ़ में चलते हैं गाने पंजाबी बढ़िया। तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चाने अंबरी जमीन कोई ना, मैं जद तेरे मोडे उत्ते सिर रखे हाँ, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया भी लगन गियां फिवालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां, तारे वेखी लब लब किवें हर दे, तू बाला चिल कोहियां जदों रातां कालियां, मैं सब कुछ वार तेरे उत्तों दऊंगा, सब कुछ हार तेरे उत्तों दऊंगा, आखर च जान तेनू दऊं अपनी, छला तेनू भावें पहली वार दऊंगा, के दिल यादा रखदा है सांभ सांभ के, होर दिल सजना मशीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबरी जमीन कोई ना। हनुमानगढ़ में रहते हुए आपने किसी से सिंगिंग सीखी थी या फिर खुद से ही? नहीं अभी यहाँ से तो मैंने किसी से नहीं सीखी। अच्छा। ये खुद ही करता रहा मैं। तो उसके बाद में कहीं कोई यूनिवर्सिटी कोई? उसके बाद मैंने म्यूजिक की स्टडी करी थी। अच्छा। अपने पटियाले से मैंने स्टडी की थी LBU से। कितना टाइम? मैंने ही करी थी 2 साल। पटियाले LBU का नाम तो बहुत अच्छा चलता है। बहुत खतरनाक। अंबरों दे तारे हसदे ने, यार मेरे सारे हसदे ने, आशिक तेरा होण करके लोग कुछ पागल दसदे ने, मेरे तो अल्फाजा दा जाल बनाया जाना नी, तू अखा विच वेख के सब कुछ क्यों पहचान दी नहीं, सब नू पता है मैं तेनू प्यार करदाया, पर तू जज्बातानू पहचान दी नहीं। बहुत ही शानदार। तो अभी आप अपने भाई साहब का नाम भी बता रहे थे, क्या नाम था उनका जो? कंवरदीप। हाँ जी हाँ जी ब्रदर मेरे कंवर। लाओगे उनको भी? हाँ जी कंवर भी है। तो पूछेंगे कुछ चीज़ें जो उनके बारे में इनको पता है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो कब से है लाइन में? ये मेरे पास तो लास्ट 3 साल से। तो क्या सपोर्ट कह रही है आपकी स्किन को? इनको हमने पुशअप किया। अच्छा अच्छा। ये पहले गलियों में इधर उधर घूमते रहते थे तो वहाँ से इनको निकाला। अच्छा अच्छा। कि जा जो तेरे को करना वो कर, जा जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी तो अभी जी नहीं रहा, जिंदगी तो तब जिएगा जो भी काम करेगा। अच्छा तो मतलब अभी मानते अपने कि हनुमानगढ़ में लोग जाने लग गए इनको? हाँ नहीं हनुमानगढ़ जयपुर मेरे साथ रहता है तो लोग इन्हें जानते जानते हैं। गाने भी आते हैं इनके स्पीड गाने। हाँ स्पीड रैकेट फिल्म का गाना आया था बहुत अच्छा रहा। पढ़ाई पढ़ाई में वो तो डब्बा है उसके तो जीरो है जी। जीरा नहीं वो एक ही खूबी होती है किसी में, या तो पढ़ लो या नहीं। ये एक्चुअल में इनका 2-3 साल पहले दिल टूटा था, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी वो आई। दिल टूटा दिल टूटा सिंगर तभी बनता आदमी जब सिंगर और शायर। हाँ तो इनका दिल टूटा तभी इन्होंने कीड़ा जगा इनका सिंगर वाला। तो अभी भाई साहब बता रहे थे कि दिल टूटा हुआ था, दिल टूट गया, उसके बाद आप इसे सिंगिंग लाइन में गए हो। तो कोई दिल टूटने वाले सॉन्ग सुना दो एक आधा। हूं तेरी गली चो कर छड़ के दूजे दे मोहल्ले विच कर पालिया, सवेर दी अजान सुन के नमाज दी जगह ते तेरा नाम ले लिया, पर मेरी सुनी ना ला गैर हो गया, उतो दुनिया दा मेरे नाल वैर हो गया, वे मेरे मन जो दे जीना मर जाई वे, रोई ना जे याद मेरी आई वे।
कहता कि तेरे चाहने वाले बहुत हैं, ये इसकी मिठाई तूने बांट दी सब में। कि सुना है तेरे चाहने वाले बहुत है, ये इसकी मिठाई तूने बांट दी सब में। सचमुच बड़ी पक्की डोर है तेरी बेवफाई की, सुना रकीब की वतन काट दी तूने। जबरदस्त भाई साहब, बहुत ही मतलब लाजवाब तरीके से, ठीक है, पता लग रहा है इससे कि यार ठीक है कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में। तो भाई साहब कितने सॉन्ग अभी तक आपके पास इस टाइम लिखे हुए? एट प्रेजेंट मेरे पास 150+ सॉन्ग लिखे पड़े हैं डायरी में अभी। हाँ जी, अब एक काम और भी कर देना, साथ ही साथ सॉन्ग सुन लिए, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे क्रिएटिविटीज जो हम आपके तक लेके पहुंचते हैं, और आज हमने हिंदी में जो रिपोर्टिंग की है उसके बारे में अपना सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास दे हुए बेल आइकन पे बटन को भी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हमें इजाजत दो और मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। तो जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।